नए वर्ष के उपलक्ष्य में यातायात पुलिस की उपलब्धियां एवं आगामी गोरखनाथ में लगने वाले खिचड़ी मेले को सकुशल संपन्न कराने के लिए एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह की अध्यक्षता में पुलिस लाइन स्थित व्हाइट हाउस के सभागार में ट्रैफिक पुलिस के साथ बैठक की गई। एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने बताया कि नव वर्ष के आगमन के उपलक्ष्य पर पुलिस की उपलब्धियों के बारे में बताया गया तथा पिछले वर्ष अपराध नियंत्रण और आपीआरबी द्वारा आम नागरिकों को जागरूक के संबंध में जनपदीय पुलिस द्वारा की जाने वाली सभी प्रकार की उपलब्धियों के बारे में कर्मचारियों को अवगत कराया गया तथा ये भी बताया गया कि गोरखपुर पुलिस की सेवा सुरक्षा और सुनवाई को ध्यान में रखते हुए और संकल्प करते हुए 2023 में यातायात पुलिस जनपदीय पुलिस के साथ व्यवस्था को बेहतर बनाने तथा आम नागरिकों की सुनवाई करने में तथा यातायात को सुंदर बनाने में ईमानदारी के साथ योगदान देगी। उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मियों को बताया गया कि आगामी खिचड़ी मेले में अधिक भीड़ होने की संभावना है, जिस प्रकार से वीआईपी तथा यातायात ड्यूटी संपादित किए हैं उसी के साथ यातायात का बेहतर प्रबंधन कर खिचड़ी मेले में अपना सर्वोत्तम प्रदर्शन देने की कोशिश करेंगे। इस अवसर पर सीओ ट्रैफिक जयप्रकाश सिंह, टीएसआई रामवृक्ष यादव, अरुण कुमार पांडे, मनोज कुमार राय सहित अन्य ट्रैफिक पुलिस मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने कहा कि मेले में जो भी आए वो एक ऐसा संदेश लेके जाए कि ट्रैफिक पुलिस ने बहुत अच्छा कार्य किया, उनका व्यवहार बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा सहयोग दिया और मुझे पूरी उम्मीद है कि गोरखपुर पुलिस का जो मोटो है सेवा सुरक्षा और सुनवाई, उसको आत्मसात करते हुए आप लोग यातायात पुलिस के रूप में अपना पार्ट अदा करते हुए गोरखपुर पुलिस का नाम रोशन करेंगे। नववर्ष वाला सम्मेलन समाप्त हुआ, अब आपके लिए कुछ और ड्यूटी के दौरान बरतने वाली सावधानियों के बारे में। पुलिस उसको समझना है, अक्सर मेरे पास ऐसे फोन आते रहते हैं ड्यूटी पॉइंट पर वाहन चालकों, फिर भी हो सकता है वो कहीं से उसकी इमरजेंसी सर्विस हो, सरकारी काम में वाहन जा रहा हो या अन्य कोई बात हो सकती है। आप उस पॉइंट पर अकेले हैं, बिल्कुल उलझने को तैयार है, आप एक गाड़ी को छोड़ दीजिए, उससे बहुत नुकसान नहीं होगा, आप हमारे कंट्रोल को बता दीजिए। नववर्ष 2023 के आगमन के उपलक्ष्य में यातायात पुलिस कर्मियों के लिए उनकी उपलब्धियों के बारे में बताया गया और एसएसपी गोरखपुर महोदय द्वारा नववर्ष के अवसर पर पुलिस परिवार के सभी सदस्यों के लिए बधाई संदेश दिया गया है। उस पत्र को पढ़कर बताया गया तथा उसमें गोरखपुर पुलिस की 2022 की जो अपराध नियंत्रण के क्षेत्र में यातायात नियंत्रण के क्षेत्र में पीआरबी द्वारा आम नागरिकों को दी जाने वाली हेल्प के संबंध में एवं जनपदीय पुलिस द्वारा की जाने वाली सभी प्रकार की उपलब्धियों के बारे में कर्मचारियों को अवगत कराया गया और उनको मोटिवेट किया गया कि गोरखपुर पुलिस की सेवा सुरक्षा और सुनवाई को ध्यान में रखते हुए सेवा सुरक्षा और सुनवाई के संकल्प को आत्मसात करते हुए वर्ष 2023 में भी यातायात पुलिस भी जनपदीय पुलिस के साथ साथ जो है व्यवस्था को बेहतर बनाने में, आम नागरिकों के सुनवाई करने में और जहां तक ट्रैफिक की बात है यातायात को फैसिलिटेट करने में अपना कर्तव्य निष्ठा से ईमानदारी से योगदान दें। इसके संबंध में कर्मचारियों को मोटिवेट किया गया और कर्मचारियों के लिए नव वर्ष के उपलक्ष्य में मिष्ठान वितरण और जलपान का कार्यक्रम। खिचड़ी मेले के संबंध में कर्मचारियों को बताया गया कि इस वर्ष अधिक भीड़ आने की संभावना है। अभी तक आपने जिस प्रकार से वीआईपी ड्यूटियां एवं अन्य यातायात की ड्यूटियां बेहतर तरीके से संपादित की हैं, खिचड़ी मेले के लिए भी उसी तन्मयता के साथ और एक उदाहरण प्रस्तुत करते हुए अपना सर्वोत्तम प्रदर्शन यातायात प्रबंधन में देने का कोशिश करेंगे। थैंक यू।